रेस्टोरेंट जैसी सब्जी बनाने के लिए चाहिए होते हैं फैंसी इंग्रेडिएंट्स और ढेर सारा तेल, लेकिन इन चीज़ों के बिना भी हम ये सब्जी बना सकते हैं, वो भी रेस्टोरेंट से कहीं ज़्यादा टेस्टी। बस हमें सही तरीका पता होना चाहिए। और ये जो सब्जी हम बना रहे हैं ना, इसकी एक खास बात और है कि इसको इस तरीके से बनाएंगे कि बहुत जल्दी बन जाती है। तो चलिए मज़ेदार सी रेसिपी के मज़े लेते हैं। यहाँ एक कढ़ाई मैंने लिया है करीब 2 गिलास पानी, और इसमें मैंने डाल दिया है 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, और साथ ही इसमें डाल देते हैं 1 छोटे चम्मच नमक, और मेरे पास हैं 200 ग्राम मशरूम्स। तो इसको मैंने एक मशरूम के ना 4 पीसेस कर लिए हैं। इसके बाद इसको डाल के मिक्स कर दिया और इसमें बॉईल आने देंगे। तो बॉईल आ रहा है, फ्लेम को लो कर देंगे और इसे पकने देते हैं। अब एक दूसरी कढ़ाई में मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून ऑयल। तेल के गर्म हो जाने के बाद इसमें हम डाल देते हैं प्याज। तो मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको बारीक कट कर लिया था। प्याज को हमें बहुत अच्छी तरीके से फ्राई करना है कि इसमें बहुत बढ़िया सा गोल्डन कलर आ जाए। इसको लगातार चलाते जाएंगे, ये देखिए बढ़िया सा कलर आ गया ना। तो अब इसमें डाल देते हैं 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये होममेड पेस्ट लिया है मैंने। इसको डालने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि हल्का सा चिपकने लगता है, तो इसको अवॉइड करने के लिए हम इसमें 2 चम्मच पानी डाल देंगे। इससे ये चिपकेगा भी नहीं और इवनली कुक भी हो जाएगा। और अब मैंने लिए हैं यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के टमाटर, और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप मेलन सीड्स। आप इसके जगह काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मैंने एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लिया है, ये देखिए। और इधर हमारा प्याज और अदरक लहसुन भी अच्छे तरीके से भुन चुका है, बढ़िया सा कलर आ गया है। तो बस इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर। मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं, और बस अब इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर और जो तरबूज के बीजों का पेस्ट बनाया था ना वो। अब हमें मसाले को तब तक भूनना है जब तक उससे अच्छी तरीके से तेल अलग ना हो जाए। ये जो सब्जी हम बना रहे हैं ना, रेस्टोरेंट वाली सब्जी तो आप भूल ही जाएंगे, इतनी टेस्टी बनती है। आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो जब तक ये मसाला भुन रहा है, फ्लेम को लो कर देते हैं, और मैंने लिए हैं यहाँ पे 1 कप फ्रेश मटर के दाने। इसको पानी में डाल देते हैं और उसको बॉईल होने देंगे। अगर आप फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, हम मटर के दानों को डायरेक्टली मसाले में डाल सकते हैं। तो ये देखिए इधर हमारा मसाला भी भुनने लगा है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। तो नमक हमने मशरूम के पानी में भी डाला था ना, तो आप हिसाब से डालिएगा। और ये देखिए मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है, और इधर हमारी मटर भी उबल चुकी है, और ये जो मशरूम्स पक रहे थे ये भी अच्छे तरीके से पक चुके हैं। तो फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इन मशरूम्स को हम डाल देंगे मसाले में। पानी सही डाल रहे हैं, और इधर हम डाल रहे हैं मटर के दाने, इसका पानी हटा दिया है मैंने। तो इसको मिक्स कर देते हैं। बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं होगी इस स्टेज पे, क्योंकि सब कुछ पहले से गला हुआ है। तो अब इसमें ग्रेवी आप अपनी पसंद के हिसाब से गाढ़ी पतली रख सकते हैं। साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, मिक्स कर दिया अच्छे तरीके से। फ्लेम को लो कर देंगे और इसको करीब 5 मिनट तक कुक करेंगे कवर करके। 5 मिनट के बाद इसको चला देते हैं और कवर हटा के इसको 2 से 3 मिनट के लिए और कुक करेंगे। इससे क्या होगा, तेल जो है ना वो ऊपर तैरने लगता है। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है, बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है, आ रहा है मुँह में पानी, रंगत देखिए आप इसकी। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा, इन्जॉय करिएगा, एंड हैप्पी कुकिंग।